हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स एज लाइफ में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो देखिए कैसा लग रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसको मैंने सर्व किया है कुछ अनियन रिंग्स, कैरमलाइज्ड राइस और तंदूरी रोटी के साथ जो कि होममेड है। और आज इस रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सभी घर में अवेलेबल होते हैं इजीली और सारे सीक्रेट्स आपके साथ इसके शेयर करना चाहूँगा मैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंग्रेडिएंट में हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक लार्ज साइज्ड अनियन, साथ ही मैं यहाँ ले रहा हूँ 3 छोटे टमाटर जिनको हम रफली चॉप कर लेंगे। साथ ही ग्रेवी में जाएंगे हमारे 1 छोटे अनियन के बल्ब्स, साथ ही 1 छोटी कैप्सिकम के जो है पीसेस। कढ़ाई मसाले के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 2 खड़ी लाल मिर्च। और यहाँ हमने अपनी डिश के लिए लिया है 250 ग्राम लो फैट पनीर जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। शुरुआत हम करेंगे अपने कढ़ाई मसाले के साथ। तो ये कढ़ाई हमने यहाँ चढ़ा ली है गैस पर, साथ ही हम ऐड करें खूब सारा धनिया, खड़ा धनिया यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगला जो मसाला इसमें जाएगा वो होगा ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि काले मिर्चें, इन्हें हमें ऐड करना होगा। अगला जो इंग्रेडिएंट हमारा यह रहेगा वो होगा रेड चिलीज होल, हम खड़ी लाल मिर्च लेंगे यहाँ पर, साथ ही लेंगे जीरा और इन्हें चलाते हुए पकाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये नीचे लगे ना। साथ ही हम बताना चाहेंगे जिस कढ़ाई में आज हम कढ़ाई पनीर बना रहे हैं वो हमारे एक व्यूअर के द्वारा या हमारे एक दोस्त के द्वारा हमें गिफ्ट की गई है। चलिए अपना मसाला पकाते हैं जब तक इसके अंदर से अच्छी फ्रेगरेंस रिलीज ना हो। सो लेट्स ड्राई रोस्ट द स्पाइसेस। अब हमारे मसाले अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर हम इसको कूट लेंगे और इनको अच्छी तरह से हमें कोर्सली कूटना है, हमें कोई फाइन पाउडर नहीं चाहिए तो इसको आप हाथ से ही कूटे तो बेटर होगा। यहाँ पर हमारे मसालों का मिक्सचर रेडी है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक बोल के अंदर। साथ ही एक सजेशन आपको यहाँ देना चाहूँगा कि जब भी आप ये डिश बनाएं इस मसाले को फ्रेश ही यूज़ करें। अब टाइम है कुकिंग स्टार्ट करने का, तो कढ़ाई में ऐड करेंगे हम थोड़ा सा तेल और इसमें हम अपने अनियन बल्ब्स और कैप्सिकम को फ्राई करेंगे। यह हम अपनी कढ़ाई में ऐड करें थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 छोटा चम्मच ऑयल हमने ऐड किया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे अपने अनियन बल्ब्स और हमें यहाँ पर उन्हें सौते करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ उनका अच्छा से जो कच्चापन है उसे दूर करना है और इस ऑयल की कोटिंग चाहिए हमें उन पर। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम जल्दी से। और अब सेम ऑयल में हम ले रहे हैं अपनी शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम और इन्हें भी हमें टॉस करना है अपने ऑयल में, बहुत लाइटली, इसका क्रंच बना रहना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा कच्चापन है हमें उसे दूर करना है और ये थोड़े शाइनी हो जाएंगे, थोड़े से क्रंची रहेंगे तो ये हमारी ग्रेवी में एक अच्छा सा क्रंची फ्लेवर देंगे। तो आइए इन्हें भी हम टॉस कर लेते हैं, सौते कर लेते हैं अपने ऑयल के अंदर। यहाँ उसी ऑयल में मैं ऐड करूँगा अपने पनीर क्यूब्स, यहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा सा ब्राउनिश रहेंगे ये। आप चाहें तो इसकी जगह आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं या आप इन्हें बिना फ्राई भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन अच्छा। यहाँ पर सेम कढ़ाई में हम ऐड करें थोड़ा सा ऑयल और बहुत ज़्यादा नहीं, साथ ही हम ऐड करेंगे यहाँ पर अपना रफली चॉप्ड अनियन, हमने 1 बड़ा अनियन लिया था रफली चॉप्ड, उसे ऐड करेंगे और यहाँ हम पकाएंगे उसको 2 से 3 मिनट तक के लिए जब तक वो अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। यहाँ पर हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, ना ही उसे बहुत ज़्यादा सुनहरा होने तक पकाना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है और इसको हमें साथ साथ चलाते हुए पकाना है ताकि हमारा जो प्याज है वो नीचे लगे ना हमारे बर्तन से। तो आइए इसे पका लेते हैं। अब समय है हमारे जिंजर गार्लिक के पेस्ट का प्याज के साथ ऐड होने के लिए, तो आइए इसे भी ऐड करते हैं। प्याज को भूनते हुए हो गया समय, तो ऐड करें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी पकाएंगे और भूनेंगे अपने प्याज के साथ इसका कच्चापन दूर होने तक। इसकी फ्रेग्रेंस ही बता देगी जब इसका कच्चापन दूर हो गया। तो यहाँ हमने ऐड कर लिया है और इसको भी हम स्टर करते हुए पकाएंगे अपने प्याज के साथ और अच्छी तरह से भूनेंगे अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को, कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमारे प्याज है तैयार, तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम हमारे रफली चॉप टोमेटोज़। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे टमाटर लिए थे, इनको रफली चॉप किया था और यहाँ ऐड कर रहा हूँ अपने प्याज के साथ। इनको थोड़ा सा मिक्स करना है, थोड़ा सा पकाना है इन्हें हमें और ये सारी प्रोसेस रहेगी मीडियम फ्लेम पर। साथ ही इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक या अपने स्वाद अनुसार आप नमक यहाँ ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ताकि जब इस करी को हम आगे यूज़ करें तो ये ब्लैंड ना रहे। इन्हें मिक्स करते हुए पकाना है, भूनना है मिर्च और नमक को अपने मसाले के साथ और इसको हम थोड़ा सा ढककर पकाएंगे यहाँ से। यहाँ हमारी ग्रेवी के पेस्ट को ढककर पकते हो गया कुछ समय, तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे प्याज और टमाटर है वो बिल्कुल डन लग रहे हैं, ऑयल भी साइड से ऊज हो रहा है, टमाटर मशी हो चुके हैं, तो यहाँ पर टाइम है इन्हें ठंडा करने का और उसके बाद इनको ग्राइंड करने का। तो चलिए करते हैं, तो चलिए अपने मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ हमारा ग्रेवी का बेस जो है वो ग्राइंड हो चुका है, तो चलिए यूज़ करते हैं।
यहाँ मैंने हल्के से तेल के अंदर अपना जो ग्रेवी का बेस है उसे ऐड कर लिया है। ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा नमक, साथ ही हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर, बहुत ही हल्का। साथ ही इसमें जो तो धनिया की क्वांटिटी रहेगी पाउडर धनिया, वो थोड़ा हम ज़्यादा लेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा मसाले जो है हम इतना चेक करके इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ नमक और जो मिर्च है वो अपने जो ग्रेवी का बेस तैयार किया था उसमें डाल चुके थे। तो यहाँ पर हम ये सब मसालों को अपने ग्रेवी के अंदर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें पकने देंगे थोड़ी देर अपनी ग्रेवी के साथ। और यहाँ पर ग्रेवी हमें थोड़ा सा रिड्यूस करनी होगी क्योंकि अभी ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा पानी है। जैसे जैसे पकेगी ये रिड्यूस होगी, साथ ही इसमें से ऑयल लूज आउट होगा, तब पता चलेगा कि हमारी ग्रेवी पककर रेडी हो रही है। तो इसको हमें चलाते हुए पकाना है, अच्छे से मिक्स करने हैं अपने मसालों को अपनी ग्रेवी के साथ। और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए हमें यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी कुकिंग करनी होगी लो फ्लेम पर। यहाँ हमारी ग्रेवी को ढककर पकते हो गया कुछ समय, तो देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे हमारा कढ़ाई मसाला जो हमने पीसा था रेसिपी की शुरुआत में, साथ ही स्टेज पर जाएगा थोड़ा सा गर्म मसाला का पाउडर, तो वो भी हम यहाँ ऐड करेंगे। लगभग आधा छोटा चम्मच हमें ऐड करना होगा गर्म मसाला पाउडर। तो ये दोनों मसाले यहाँ पर हमारे इसी स्टेज पर ऐड होंगे हमारे ग्रेवी के अंदर। देखिए मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है और साथ ही इन्हें यहाँ पर मिक्स करना होगा, इन दोनों मसालों को इनकॉर्पोरेट करना होगा अपनी ग्रेवी के साथ। और फिर हम थोड़ी देर इसे ढककर पकाएंगे ताकि ये मसाले अच्छे से हमारी ग्रेवी में मिक्स हो जाए और अपना जो फ्लेवर है उसे रिलीज़ करें हमारी ग्रेवी के साथ। तो चलिए इन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं और पकाते हैं अपनी ग्रेवी को। और यहाँ हमारी ग्रेवी को पकते हो गया कुछ समय, देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, साथ ही ऑयल भी यूज़ आउट होने लगा है। तो टाइम है तो अपनी क्रीम ऐड करने का, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ लगभग 3 छोटे चम्मच क्रीम के। और यहाँ पर मैं इस क्रीम को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करूँगा अपनी ग्रेवी के अंदर। और ग्रेवी में क्रीम डालते ही आप देखिएगा ग्रेवी का पूरा टेक्स्चर जो है, पूरा कलर है वो चेंज हो जाएगा, क्रीमीनेस ऐड हो जाएगी, साथ ही ये ग्रेवी को काफ़ी रिच करेगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेज है, बस आपको चलाते हुए पकाना है ताकि आपका क्रीम इसमें फटे ना। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं रिच ग्रेवी विदाउट बटर? तो जी हाँ, यहाँ समय है 1 चम्मच बटर ऐड करने का। बटर को यहाँ पर मेल्ट होने देंगे अपनी ग्रेवी के साथ, बिल्कुल मिक्स करना है टू हैव दैट रिचनेस इन आर ग्रेवी। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया है, उसे ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि हमारी ग्रेवी को एक अलग फ्रेग्रेंस देगी और एक अलग लेवल पर ले जाएगी इसके टेस्ट को। तो यहाँ पर इसको मिक्स करके पकाते हैं कुछ देर। और अब यहाँ टाइम है अपने फ्राइड अनियंस और फ्राइड कैप्सिकम को ऐड करने का। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है या जो हमारी डिश है वो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है। आप देखिए कितनी शाही और कितनी बढ़िया लग रही है ये ग्रेवी। बस कुछ देर और ढककर पकाना है। यहाँ ग्रेवी को ढककर पकते हो गए 1 से 2 मिनट। तो अब हम यहाँ ऐड करते हैं अपने पनीर क्यूब्स को। और आप देख सकते हैं कैसे हमारे फ्राइड अनियंस और कैप्सिकम बिल्कुल रम चुके हैं हमारी ग्रेवी के अंदर। और यहाँ पर हमने पनीर को ऐड करके हल्का सा टॉस करना है, फोल्ड एंड टॉस की जो प्रोसेस है हम यहाँ फॉलो करेंगे और कुछ देर ढक के पकाएंगे। बहुत ज़्यादा टॉस नहीं करना है पनीर। यहाँ ढक्कन हटा के देखें हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मज़ेदार लग रही है। टाइम है यहाँ पर कुछ कोरिएंडर लीव्स को ऐड करने का और इसको प्लेट करने का। तो चलिए अपने डिश को यहाँ फिनिश करते हैं हम लोग एक साथ। और यहाँ हमने अपने कढ़ाई पनीर को डिश आउट किया है, सर्व किया इसे कुछ अनियन ड्रिंक्स, कैरमलाइज्ड राइस और साथ हमने ली है तंदूरी रोटी जो कि होममेड है। और अगर आप इस चैनल पर मुझे पकाते हुए देखना चाहते हैं तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, बटर नान या गार्लिक नान या फिर चुरचुर नान, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाए, मैं उसको लेकर आऊँगा आपके लिए।